कि स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी रहते हुए जो उन्होंने अनगढ़ा में लीज लिया, जिस पर चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था कार्रवाई कर रही है, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन आज जो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके समक्ष रखना चाहता हूं, 2009 में रांची के महत्वपूर्ण इलाके अरगोड़ा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की धर्मपत्नी श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन जो कि उड़ीसा राज्य की आदिवासी महिला की श्रेणी में निःशुल्क दो सेल डी के द्वारा क्रमशः 13 कट्ठा 14 छठा डी संख्या 3881/3368 दिनांक 9/3/2009 एवं 17 कट्ठा 8 छठा डीट संख्या 1267/1084 दिनांक 7/2/2009 की आदिवासी भूमिका क्रय किया। उन दोनों डीट में उन्होंने अपने पति हेमंत सोरेन का नाम ला लिखकर अपने पिता श्री अंपा माझी का नाम दर्शाया और अपनी जाति संथाल बताते हुए अपना निवास स्थान हरमू कॉलोनी थाना अरगोड़ा जिला रांची दिखाया। नियम अनुसार किसी अन्य राज्य के अतिरिक्त श्रेणी का व्यक्ति झारखंड में आरक्षण का लाभ नहीं ले सकता है और सीएनटी एक्ट के प्रावधानों के अनुसार किसी आदिवासी भूमि के खरीद के लिए उसे विक्रेता के ही थाना क्षेत्र का होना भी आवश्यक है, जो दोनों शर्त श्रीमती कल्पना मुर्मू नहीं पूरा कर रही थी। इसलिए उनके द्वारा झारखंड राज्य में आरक्षित श्रेणी और अरगोड़ा थाना क्षेत्र के निवासी बताया जाना दोनों गलत है। इससे बढ़कर भी बड़ी अनियमितता श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन के द्वारा की गई वह यह है कि उनके द्वारा पहली डीड जो 13 कट्ठा 14 छठा जमीन के संबंध में है के कर्म में भूमि का सरकारी मूल्य 34,93,000 रुपया दिखाया गया, परंतु विक्रय की राशि मात्र 4,16,000 रुपया दिखाई गई। उसी तरह दूसरा डीट जो 17 कट्ठा 8 छठाक जमीन के संबंध में है के कर्म में भूमि का सरकारी मूल्य 44,00,000 रुपया दिखाया गया, परंतु विक्रय की राशि मात्र 5,25,000 रुपया दिखाई गई है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।